छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। सदन में किसानों के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, तो किसानों के मुद्दे पर हंगामा भी हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा समता हेमंत शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसे कि अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा सदन में, क्या अपडेट इस पर मिल पा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन हमने देखा था कि जो विपक्ष में बैठी भाजपा है उन्होंने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा सदन में किया था। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, चाहे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की बात हो, दोनों ने अपने वहां पर धान खरीदी के मुद्दे पर स्थगन वहां पर लाया गया था। जब चर्चा हुई थी तब एक तरीके से घेरने की कोशिश सरकार को हुई। हालांकि सरकार की ओर से भी कई मंत्रियों ने मोर्चा संभाला था। कल हंगामे के आसार वहां पर देखने को मिले थे और देर शाम कल दोनों पार्टियों की जो विधायक दल की बैठक है वो हुई है। दोनों ने रणनीति बनाई है कि इस तरीके से आगे की जो क्रियाएं हैं वो कैसे की जाए। भाजपा की बात की जाए तो कल विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है कि एक तारीख को, 1 दिसंबर को जो जितने धान खरीदी केंद्र है उनके किसानों के साथ वहां पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है कि सरकार को सदन में कैसे घेरना है। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को साफ तौर पर कहा है कि विधायक अपने अपने स्तर पर भी वहां पर जवाब दें। इसके अलावा मंत्रियों को भी जिम्मेदारी बांटी गई है। तो दोनों पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो काफी अच्छी मानी जा रही है। लेकिन आज की बात की जाए, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है तो आज भी धान खरीदी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर सदन गरमाने के आसार हैं, क्योंकि कल ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है कि 1835 रुपए में धान खरीदी किया जाएगा, लेकिन किसानों के खाते में 25 रुपए सरकार देगी। तो एक तरीके से अब देखा जाए तो इसी मुद्दे को भाजपा पकड़ने की कोशिश करेगी और इसी मुद्दे को लेकर आज हंगामे का आसार है। इसके अलावा कल अनुपूरक बजट वहां पर मुख्यमंत्री ने पेश किया था, तो आज अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पारित हो जाएगा करीब 4500 करोड़ के आसपास। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।